हेलो गाइस वेलकम टू इज अप्लाई गाइस इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्री ऑफर लेटर फ्रॉम गूगल फॉर ऑपरेंटाइजिप प्रोग्राम मार्च सो दिस इज़ द मेल फ्रॉम गूगल इंडिया ऑपरेंटाइज प्रोग्राम लेटेस्ट मार्क्सिट रिक्वायर्ड्स मतलब कि अगर आपने इंटरव्यूज दे लिए क्रैक कर लिया तब आपको ये मेल रिसीव होगा एंड उसके बाद और दो तीन मेल होंगे जिनको मैं डिस्कस करूँगा इन इस वीडियो में एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन अपलोड योर मार्क्सशीट एंड इसके बाद भी एलिमिनेशन होते हैं सो so, आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें अवॉइड मिस्टेक टू अवॉयड द रिजेक्शन आप रिजेक्शन को uh, हटाओ सलेक्शन को ले आओ सो so, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में कि मार्क्सशीट की कौन गलतियाँ आप कर रहे हैं कैसी मार्क्सशीट की गलतीस कर रहे हैं जिनके वजह से आपका ये ऑफर मिस कर दोगे आप एंड uh, आपको देखो हर मेल का रिस्पांस करना है जैसे ये मेल है इस मेल का भी आपको रिस्पांस करना है एंड इसके बाद एक आता है कैंडिडेट कन्फर्मेशन का मेल और आता है लोकेशन uh, प्रेफरेंस का मेल वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो so, कुछ चीज़ें जो कैंडिडेट uh, की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस उसको वॉलेट ना हो तो मैंने उसको कुछ एडिट uh, uh, करके उसको क्लियर uh, करा है सो so, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें अभी ये आप मार्कशीट की बात कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ कि कैसे मार्कशीट को बनाना है कैसे अपलोड करना है वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड आपको क्या क्या उसमें इस्टेब्लिश करना है सो दिस मेल इज़ फ्रॉम गूगल फॉर द पर्टिकुलर कैंडिडेट हु गॉट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड आफ्टर द फेस टू फेस इंटरव्यू सो डियर कैंडिडेट होप यू आर डूइंग गुड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर द गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम काइंडली शेयर ऑल द मार्क्सिट फॉर योर हाइस्ट क्वालिफिकेशन एट द अर्लीस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर योर सुन सो आपको इस मेल का कर रिवाइड करना है एंड आपको मार्क्सीट भी अपलोड करनी होती है तो मार्क्सशीट में क्या आपका मेन uh, फोकस आपका होना चाहिए जो आपका रिसेंट क्वालिफिकेशन और हाइस्ट क्वालिफिकेशन है अगर मैं बात करूँ बी बी टेक स्टूडेंट्स के लिए जो इन uh, uh, जो भी है आपका जो भी बैकग्राउंड है आप अपने बैकग्राउंड को लेकर Uh, उसको समझो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बी बी का तो लाइक like, अगर आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है आपके अभी uh, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया मार्कशीट नहीं आई है सो इफ़ यू आर अपलोडिंग एन इंटरनेट कॉपी सो मेक श्योर कि आपका वो इंटरनेट कॉपी जो है वेरीफाइड हो फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एंड आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से उ, उस पर स्टैम्प करवाओ एंड सिग्नेचर करवाओ सो दैट आपका वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है लाइक दिस इज़ द रियल आप उसमें लिख सकते हो कि माय मार्कशीट इज़ नॉट क्लियर नाउ सो आप अभी uh, मार्कशीट नहीं है आपके पास आप इंटरनेट कॉपी अपलोड कर रहे हो यू आर अपलोडिंग एन इंटरनेट कॉपी सो दैट यू आर अटेस्टेड इट एंड आप सिग्नेचर करवाओ स्टैम्प करवाओ उसको एंड फॉर दिस प्रोविजनल ऑल्सो अब प्रोविजनल की भी बात करें तो उसके लिए आप एक रिटर्न परमिशन आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट स ले सकते हो दिस इज नॉट मैनेडेटरी अगर आपने कर दिया तो कोई बात नहीं बट इम्पैक्टफुल करने के लिए आई एम टेलिंग यू टू गेट सम इम्पैक्ट एम अटेंशन चाहिए आपको तो ये सारी चीज़ें uh, ये प्रोफेशनल होने का एक प्रूफ देती हैं दैट यू आर डूइंग सम प्रोफेशनल वर्क एंड इसको आप ऐसे प्रोफेशनल चीज़ें करोगे इट्स इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द रिक्रूटर एंड द टू दायरिंग टीम सो so, आपको इन सब चीज़ों पे आ, काम करना है एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं या जैसे मैं इसकी बात करूँ मार्कशीट अपलोडिंग की लोकेशन प्रेफरेंस की तो इसमें अगर आप मिस्टेक्स करेंगे बड़ी मिस्टेक करेंगे तो ये भी रिजेक्शन होता है बट मस्ट ऑफ द केस रिजेक्शन इसमें होता नहीं सो आई हैव टॉक मैनी कैंडिडेट हुआ वर्किंग एट गूगल सो उनसे मैंने कन्फर्मेशन करा है सो so, एंड ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये पर्टिकुलर अभी की है जो अभी की हायरिंग चल रही है फॉर द मार्च प्रोग्राम तो उन्हीं कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स के हैं ये तो वो सारी चीज़ें हैं तो ये फेक नहीं है फ्रेंड्स तो आपको इन इनमें ध्यान देना है और पर्टिकुलर वैसे ही फॉलो करना है जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा अपना प्रोफेशनल मेल राइट करना है इफ़ यू आर रिवर्टिंग टू देम इफ़ यू आर रिप्लाइंग टू देम तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिफाइंड करना है एंड पूरा मैसेज प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए सो इफ यू राइटिंग द प्रोफेशनल मेल इट इज़ एन इम्पैक्टफुल टू तो आपको उसमें आ, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है ठीक तो बढ़ते हैं आगे और उससे पहले मैं बता दूं अगर आपको कोई कंसर्न कोई क्वेरी आता तो आप उस मेल पे डायरेक्टली कर सकते हो नेहा शर्मा सॉरी नेहा सिंह से डायरेक्ट आप कंसर्ट कर सकते हो एंड इफ यू आर दे आर नॉट रिप्लाइंग इफ यू आर हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड थ्रू द टेलीग्राम और इंस्टाग्राम द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन जॉइन दैट द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब एंड लेटेस्ट ऑफ कैंपस ट्राइप्स आपको असेसमेंट इंटरव्यूज और सारी डिस्कशंस एंड मॉक इंटरव्यूज की बात पर को तो वो सारी चीज़ें uh, आपको उपलब्ध uh, करा दी जाएंगी एंड मेक श्योर कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब टू तो एज अप्लाई टू तो गेट रेगुलर अपडेट अबाउट अप्ट एनी आईटी इंडस्ट्री हायरिंग एंड uh, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ uh, यहाँ हेल्प भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इसके साथ साथ अगर आपको गूगल की अपडेट रेगुलरली चाहिए अमेजन की अपडेट रेगुलरली चाहिए सारी चीज़ें आपको मिलनी मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं हाँ, आप मिलेंगे रेगुलरली एंड मैं बता दूं अभी अमेजन की भी हायरिंग चल रही है असेसमेंट मैंने अपलोड कर दिया है पीपल आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम देम एंड एंड उसके बाद वो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है आई हैव अपलोडेड सम क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू एंड आई विल अपलोड सम एक्सपीरियंस शून सो मेक्स्योर टू सब्सक्राइब इट ईजी अप्लाई सो डोंट मिस दो वीडियो दो वीडियो विल भी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए यू आर लुकिंग फोर ब्राइट करियर सो आगे बढ़ते हैं सो दिस इज फॉर द ये इसको मैं कह रहा था कि प्री ऑफर लेटर टाइप का इसको काइंड kind ऑफ of कह सकते हैं ऑफर लेटर का इस मेल को इस मैसेज को लाइक दे कैंडिडेट होप यू आर डूइंग गुड वी आर रियली एक्साइटेड ये चीज़ होती है कंफर्मेशन का ये कंफर्मेशन मेल है इट मींस जैसा ऑफर लेटर आप रिसीव करते हो अगर अगर इससे पहले आपने कोई ऑफर लेटर रिसीव करा हुआ है तो आपको पता होगा कि जब भी ऑफर लेटर एच या फिर हायरिंग टीम जब सेंड करता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि वेदर यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर और नॉट सो वट इज़ द पर्टिकुलर रीज़न यू आर रिजेक्टिंग दैट ऑफर लेटर एंड यू कैन राइट अर रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग दैट ऑफर लेटर या फिर आप आई एग्री करके आए आई एक्सेप्ट करके भी कर सकते हो बट अगर आप प्रोफेशनली उसको करते हो प्रोफेशनल तरीका अपनाते हो तो वो और इम्पैक्टफुल होता है इन इन द केस ऑफ दीज बिग कंपनीज लाइक गूगल अमेजन फ्लिपकार्ट मिंत्रा एंड ये सारी जो होती हैं कंपनीज इनकी मैं बात कर रहा हूँ टी सो ये सारी चीज़ें होती हैं सो योर और लुकिंग वेरी compromising and we are looking for some internal approval for your candidature we shall get back to you soon next week regarding your feedback and the final result and the compensation for the project management apprenticeship role is 5 lakh 20000 so ये आपका पैकेज होने वाला है इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये है कि अगर मैं आपको ये पैकेज दूं तो आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं या फिर आप आपका पैकेज कम लग रहा है लेकिन दिस इज द आप बात कह सकते हो कि आ, ये पूरा पैकेज की बात है तो अगर आपको यह रोल होगी ये काम होगा वो सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है दिस इज द एक्नोलिजमेंट ओके कीपिंग दिस माइंड वी वांट टू इंकरेज यू यू टू टेक द टाइम टू कंसीडर वेदर दिस इज द रट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गिवन ऑल द डिटेल वी हैव शेयर्ड काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जैसे कि मैं बता रहा था जैसे ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो तो पूरा प्रॉपर रीजन देते हो सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट तो ये मैं बता रहा था वेदर दिस अपॉर्चुनिटी वर्क फॉर योर करेंट पर्सनल सिचुएसन बाई एक्नोलॉजिंग दिस ई मेल अकॉर्डिंगली आपको इसमें कुछ चीज़ें और शेयर कर, करी जाएंगी वो आपको मेल पे मिलेगा इफ़ यू आर गेटिंग दिस अगर आप अगर आपको मेल रिसीव हो रहा है तो आप वीडियो को देखो एंड आई हैव अपलोड इन प्रीवियस वीडियोस आप उसमें देख करके पूरा अच्छे से इसको अप्रोप्रिएटली आंसर करो सो so दैट आपका ये मेल और इम्पैक्टफुल हो और कोई भी आ, चांस आप मिस ना करो सो so, आप अग, अगले मेल की तरफ पढ़ते हैं ये तो रहा एकनॉलेजमेंट का मेल ये समझो प्री ऑफर लेटर लाइक इसमें आपका पैकेज वगैरह लिखा रहेगा लाइक like, आप जैसे फीडबैक करते हो तो वो आ, गो थ्रू करेंगे आपके कैंडिडेटचर को एप्लीकेशन प्रोसेस को फिर आपका जनरेट किया जाएगा सो so, ऐसा भी हाँ एक चीज़ और कि ऐसा भी नहीं है कि आपका अगर मार्क्सीट अपलोड करने की मेल नहीं आई है डायरेक्ट अगर आपको ये मेल रिसीव हो गई है सो दिस इज़ अ गुड इट्स नॉट बैड अगर इसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करने का हो सकता है आप, वो ऑन बोर्डिंग के टाइम मार्कशीट अपलोड कराएं सो दिस इज़ नॉर्मल फ्रॉम गूगल राइट तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है बट येस yes, आपको जो भी मेल आता है हर मेल का रिस्पॉन्ड करो तो अगर जिस मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है दैट यू नो कि वहाँ पर लिखा रहता है नो रिप्लाई मेल तो आप इस मेल का एक्सेप्टेंस या फिर आप आ, कर सकते हो डैट यू हैव रिसीव्ड एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस मेल ऐसा करके आप मेल राइट कर सकते हो नॉट जस्ट ऑफ सेंटेंस राइट पूरा पैराग्राफ टाइप का कुछ लिखो आप प्रोफेशनल लगे सो so, तो ये चीज़ें होती हैं लाइक यू आर डूइंग ग्रेट सो एंड हाँ ये लोकेशन प्रेफरेंस को मैं बता दूं कि लोकेशन प्रेफरेंस को भी हम हाँ, डिस्कस कर लेते हैं कि लोकेशन प्रेफरेंस होता है एंड हाँ ये मेल जो ये था ये कुछ ऐसा होता है लाइक प्राइमरी डोमेन आपका क्या था लाइक यू हैव अप्लाइड फॉर द डेटा एनालिटिक्स एंड गॉड सेलेक्टेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा कुछ होता है तो ऐसे कुछ दो तीन तरीके के मेल्स रिसीव होते हैं दिस इज़ नॉर्मल सो डोंट पैनिक अब भाई बात करते हैं लोकेशन प्रेफरेंस की लॉट्स ऑफ कैंडिडेट आफ्टर द फेस राउंड दे द लोकेशन प्रेफरेंस मेल एंड फिल देर प्रेफरेंस अगर आपको आया है फिल कर दिया तो भी सही है अब देख लो एंड जो जिनका अभी आने वाला है वो भी पूरे अपने से तरीके से प्रिपेयर रहो कि आपको मेल करना है आपको फॉर्म भरना है उसके बाद आपको उसको स्क्रीन शॉट येस अगर आप कर दो तो ऐसा कोई मेल कर दो तो आप स्क्रीन शॉट शेयर करो दैट यू हैव डन दिस क्योंकि बहुत इस टाइम पे जो गूगल की जो हायरिंग चल रही है थोड़ा फ्लक्चुएट हो चुकी है सो तो आपको अपने तरीके से तैयार रहना है आपको हर मेल को रिस्पॉन्ड करना है विद द प्रॉपर स्क्रीन शॉट तो ये रहा लोकेशन प्रेफरेंस का कुछ ऐसा लिखा रहेगा बिकॉज ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ कैंडिडेट आई हैव एडिटेड दिस

दी जाएगी आपको लोकेशन प्रेफरेंस देकर आपको मेल करना है सो so, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप आ, ये अपना स्टैंड कर सकते हो इस गूगल हायरिंग के लिए इस ऑपरेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एंड द आपको अभी मेल रिसीव अग ये चीज़ और एक चीज़ अगर आप टेलीफोनिक राउंड के बाद आपको कोई मेल नहीं आई है सो डोंट होप एनीथिंग फ्रॉम Google, गूगल आप रिजेक्टेड हो चुके हो या सॉरी फॉर दिस uh, वर्ड आप रिजेक्टेड uh, हो चुके हैं लाइक गूगल ओनली कॉन्टैक्ट विद देम हु गॉट सेलेक्टेड फॉर दर नेक्स्ट राउंड एंड यस जो फेस टू फेस राउंड के बाद इन जो इनको मेल कोई भी एक्नॉलेज नहीं रिसीव हुई है वो पच्चीस तक वेट करें ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फेब, उसके बाद आप भी उम्मीद ना करें और हो सकता है Uh, प्रोजेक्टेड हो सो so, जो रिसीव कर रहे हैं एंड येस yes, आप अपना मेल hmm. का सारा फोल्डर चेक करते रहो रेगुलरली स्पैम प्रमोशनल प्राइमरी एंड सोशल सब मेल चेक करो एंड uh, आप पूरा का पूरा अपडेटेड रहोगे फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो उसको एंड अब आपको अपडेट मिलती रहेगी हु गॉट द मेल एंड हु गॉट फ्रॉम द नेक्स्ट राउंड एंड सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू एंड हिट द लाइक बटन प्लीज़ इफ़ यू लाइकिंग द इफॉर्मेशन आप लाइक करो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है एंड शेयर करो इसको कमेंड ऑन इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सब्सक्राइब टू इज इलाई टू गेट रेगुलर अपडेट एंड फॉर दबर अदर जॉब अपॉर्चुनिटी यू कैन सब्सक्राइब एंड आपको मिलती है रेगुलर रेगुलर अपडेट सो थैंक्स फॉर वचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच थैंक यू